कुछ नहीं, अभी तो फिलहाल ये फिल्म रिलीज करनी है. हम लोग का शुरू से प्लान था कि इस फिल्म को जिस तरह की फिल्म है और जैसा बनाया कि हम लोग एक आजकल इतना ज़्यादा वो मार्केटिंग का वेट है फिल्मों के ऊपर. दिस फिल्म वी वॉन्टेड टू पुश एंड डू इट लाइक दिस दैट वी अनाउंस द रिलीज डेट 2 weeks बिफोर एंड देन पुट आउट द ट्रेलर एंड मार्केट इट फॉर 2 weeks. स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग 2 weeks एंड रिलीज. देर इज नो रीजन वाई पिक्चर के बीच में वी शुड पुट दैट लोगो ऑफ सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. अभी तो ड्रिंकिंग के ऊपर भी डालने लगे हैं, कुछ दिन के बाद पता नहीं कितनी सारी चीज़ों पर डालने लग जाएंगे. तो वो तो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए, बट वो एक लड़ाई है जो चलती रहेगी. बट फिल्म के साथ ऐसा भी होता है कि फिल्म जो है किसी ने पैसे डाले हैं, बहुत सारे लोगों का काम है, बहुत सारे लोगों के करियर है, सब अटक जाते हैं. तो हम लोग फिल्म दर फिल्म लड़ाई करेंगे वो अलग है. कोई तो आएगा कभी हमारी बात सुनेगा समझेगा. ये एक अलग तरह की एक डार्क थ्रिलर है और हम किसी को नहीं बोल रहे हैं कि ये फिल्म जो है डार्क नहीं है. बहुत ही डार्क थ्रिलर है और बहुत ही स्ट्रांग फिल्म है और ये बाकी सब चीज़ों से काफ़ी अलग है. उस हिसाब से मैं अपना पर्सनली मानता हूँ कि मेरी सबसे बेहतर फिल्म है आज तक की. देयर इज अ चाइल्ड दैट डिसअपीयर्स और बच्चे के गायब होने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन और केस शुरू होता है उसमें एक जो एक एक स्टेप फादर है और एक बायोलॉजिकल फादर है और उन दोनों के बीच में जो चलता है उस गायब बच्चे को लेकर के कहानी उसको लेकर आगे बढ़ती है और बहुत सारी चीज़ों पर सवाल उठाती है कि अगर पीके नहीं होते तो शायद हम अगले हफ्ते रिलीज नहीं कर रहे होते क्योंकि पीके की वजह से रास्ता 3 हफ्ते खाली है. सो ये मैं तो पीके को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि पीके की वजह से हमें एक रिलीज डेट इस साल मिल गई. क्योंकि अगली पीके की जो ऑडियंस है जो पीके फर्स्ट वीक में फर्स्ट फ्राइडे में कहा था फर्स्ट फ्राइडे सैटरडे संडे को जिन्होंने पीके देख लिए 3 बार देख ली 4 बार देख ली सेटिस्फाई को टेस्ट चेंज के लिए एक दूसरी चीज़ होनी चाहिए सामने. तो हमने वो टेस्ट चेंज के लिए हम अगली लेके आ रहे हैं. तो जब वो मुगले खाना खा के बैठ भर गया तो अगले वीकेंड प्लीज चाइनीज के लिए हमारे.